दोस्तों आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि इस तरह का स्कैम हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन दोस्तों एक नया तरह का स्कैम चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल में क्या होगा दोस्तों कि आपके नंबर पे आपके दोस्तों JVN नंबर या फिर दोस्तों आप किसी का भी आपका जो कोड वगैरह होता है उसके थ्रू एक दोस्तों मैसेज आएगा, ये स्पैमर की तरफ से होता है और वहाँ पर ये बताया जाएगा कि इसके थ्रू अगर आप बिजली बिल वगैरह भरेंगे तो आपको कैशबैक वगैरह मिलेगा, जितने का बिल है उतना। इस तरह की दोस्तों कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है। आप दोस्तों कभी इस तरह का काम किए हैं या भरे हैं, वहाँ हो गया क्या कि जैसे ही आप भरेंगे आपका ATM कार्ड वगैरह से, डेबिट कार्ड से आप जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे वो सब वो लोग ले लेगा और वो किस तरह से यूज़ करेगा इसका पता नहीं, लेकिन इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। तो इसीलिए दोस्तों बिजली बिल वगैरह जो भी भरना है या तो ऑफलाइन भरिए या फिर आप कोई भी ऐप के थ्रू जैसे पेटीएम हो गया या गूगल पे हो गया इस तरह से आप भर सकते हैं या इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भरिए, लेकिन कहीं पर अनफंड जगह पर क्लिक करके मत भरिए वरना दोस्तों आपके साथ स्कैम हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे टेक वर्क। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग में जबरदस्त वीडियो डाला है Redmi Note 10 Pro पे 2022 में, कैमरा सेटिंग बताया हूं जो दोस्तों काफी जबरदस्त है, जाके देखिए। आप बात करते हैं पोल की, हमने आपसे पूछा था कि आपका लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो दोस्तों 63% लोगों ने कहा कि भैया चाइल्डहुड है, बाकी का 27% लोगों ने कहा कि स्कूल का टाइम है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोले कॉलेज में, और दोस्तों 1% लोग अल्ट्रा लेजेंड है जिन्होंने कहा कि आफ्टर मैरिज। कौन है ये लोग? आपका दोस्तों चल रहा है सही टाइम? कमेंट में अपनी राय जरूर। तो चलिए दोस्तों पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों YouTube एक नया तरह का प्लेटफॉर्म लाने वाला है जिसमें हम अपने स्टोरी को डाल सकते हैं। मतलब दोस्तों जैसे अभी अपने मूड के हिसाब से WhatsApp में हम लगाते हैं ना स्टोरी या स्टेटस वगैरह, उसी तरह का दोस्तों कुछ लाने वाला है ऐप वगैरह। वो किस तरह से काम करेगा पता नहीं, लेकिन इस तरह के कुछ फीचर्स आने वाला है। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, वो आ रही है एयरटेल की तरफ से। दोस्तों एयरटेल भी कह दिया है कि जो पुराना हमारा 4G वाला सिम है एयरटेल का, उसी में दोस्तों 5G भी चलेगा, बस 5G से फोन जो है सपोर्टेड होना चाहिए। इस तरह ही कुछ अपडेट है, मतलब नेटवर्क दोस्तों उसी में मिलेगा, हमें नए सिम बाय करने की जरूरत नहीं। आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करते हैं होंडा एक्टिवा की, जो दोस्तों 2022 का नया एक्सटेंडेड एडिशन है, इसका फर्स्ट लुक देखा जा रहा है जो कुछ इस तरह का। आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं रिलायंस जियो की। एक दोस्तों 75वां साल चल रहा है तो जबरदस्त ऑफर आया है दोस्तों जियो का, जिसमें 750 रुपये में आपको दोस्तों 2GB डेटा 90 दिन तक का मिलेगा। मतलब दोस्तों जो होता था 84 दिन 85 दिन, वो नहीं दोस्तों डायरेक्टली 90 दिन का मिलेगा। मजा आया। इस तरह ही कुछ अपडेट है, आप दोस्तों कराते हैं। वैसे हम तो जियो फाइबर यूज़ करते हैं, आप दोस्तों कौन सा करते हैं और कौन सा रिचार्ज करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करते हैं रिलायंस जियो ने यह भी कहा है कि हम एक अपना 5G फ़ोन लाने वाले हैं इसी 2022 में। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है और वो भी दोस्तों अंडर 10,000। इस तरह की कुछ बातें चल रही है, आपको क्या लगता है कि यह पॉसिबल है जियो की तरफ से, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलिए दोस्तों वक्त होता आपके सवाल लेने का। तो आदित्य नारायण भाई का सवाल है कि इनका जो Redmi Note 10 Pro है उसका वॉल्यूम अप बटन वर्क नहीं कर रहा है तो क्या करें। तो देखिए सबसे पहले आप फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करिए, सेटिंग में जाइए, अबाउट फोन में जाइए, ऑल स्पेस में जाइए, कर्नल वर्जन में जाइए और वहाँ पर बटन को चेक करिए काम कर रहा है या पार हो गया। अगर पार हो गया भैया तो कुछ नहीं कर सकते, ये हार्डवेयर इशू है, आपने लापरवाही का नतीजा है, इसको फिक्स नहीं कर सकते। बस इस तरह की अपडेट है, आप जाइए वहाँ पर चेक करिए और बताइए कमेंट में आपका ठीक हुआ है क्या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 की। इसका दोस्तों इंडियन प्राइस बाहर आ गया है, ऑफर में दोस्तों ये 27,999 में मिलेगा। तो बिना ऑफर का कितना मिलेगा? 5,000 का डिस्काउंट है दोस्तों, मतलब 32,999 रुपए इसकी प्राइस है। आप लेना चाहेंगे दोस्तों अपने किडनी में हाथ रखिए और बताइए आपको दिल है खरीदने का कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं iQOO Z6 5G। ये जो है दोस्तों चाइना में आज लॉन्च हो किया है 80W फास्ट चार्जिंग के साथ। मतलब दोस्तों पहले भी हुआ था लेकिन वहाँ 44W था, यहाँ पर दोस्तों 80W हो गया। आपको क्या लगता है इंडिया में आएगा दोस्तों 80W वाला वेरियंट? कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीवो के। वीवो का V25 और V25e दोनों का दोस्तों फर्स्ट लुक देखा जा रहा है जो दोस्तों कुछ इस तरह का है। V25 जो है 5G होगा लेकिन V25e जो है दोस्तों वो 4G होगा, जो देखने में कुछ इस तरह का है। आपको ये कैसा लगा इसका फर्स्ट लुक कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीवो का नए फोन Y22। ये जो फोन है दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि हेलियो P35 प्रोसेसर के साथ आएगा। मतलब दोस्तों अंडर 5,000 बोल सकते हैं या फिर 7,000 बोल सकते हैं, इस रेंज में आने वाली
बताइए आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप ओप्पो की। ओप्पो की तरफ से दोस्तों एक न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि ओप्पो फाइंड इन दोस्तों पता है कि इंडिया में तो आया नहीं, चाइना में आया, लेकिन इंडिया में दोस्तों इनका एक फोल्डेबल फ़ोन आने वाला है। अब ये फाइंड इन होगा या उसका अपग्रेडेड वर्जन होगा पता नहीं, लेकिन आप दोस्तों फोल्डेबल फ़ोन पर ध्यान देते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं गूगल पिक्सल 7 की। 9 अक्टूबर को दोस्तों ये लॉन्च होगा। क्या लगता है इस बार इंडिया में ये आएगा, और दोस्तों लेट हुआ तो आएगा या नहीं आएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट न्यूज की, वो वन प्लस की तरफ से आ रही है। वन प्लस का दोस्तों TWS आ गया, मतलब नॉट के सीरीज में दोस्तों TWS भी आ गया, उनका दोस्तों बड भी आ गया, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि वायर्ड हेडफोन आने वाला है, जिसका फर्स्ट लुक मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया और बताया कि कुछ इस तरह का। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, रियलमी के बराबर होगा या ऊपर जाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म, सैटरडे था, ज़्यादा नहीं था दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल सुबह आ रहा है दोस्तों #AskRaza 10 बजे, तो जो भी सवाल है जरूर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।